मदद कुछ टिप्स देंगे कि जैसे मान लो किसी खुद पीड़ित है तो उसको कैसे भगाया जाए, कैसे हटाया जाए, कैसे उपचार? रोग घटे कछु औषधि खाए, प्रेत हटे कछु जतन कराए। भूत प्रेत अगर वाकई में प्रविष्ट हो ही गए हृदय के अंदर तो शरीर का शोधन, ये तंत्र एक विज्ञान, ये शरीर का शोधन करता है। वो आपका ब्लॉकेज कहाँ पर हुआ है उसको क्लियर करने की कोशिश करता है, कि आपका लीकेज कहाँ है उस होल को बंद करने का प्रयास करता है। तो जिस प्रकार से अगर रोग आ गया है तो बिना औषधि के नहीं जाएगा, ठीक इसी प्रकार से अगर प्रेत ग्रस्त रोगी है, भूत प्रेतों से पीड़ित कोई रोगी है तो उसको अच्छे विशेषज्ञ के पास जाकर के उसका इलाज करवाना ही चाहिए। क्योंकि मूर्खों के पास जाओगे धन भी नष्ट होगा, धर्म भी नष्ट होगा, ठगने का और ज्यादा उनको अवसर मिलेगा। तो ये बेवकूफ बनाने की बातें हैं। अगर आपको लगता है कि चिकित्सकों के तमाम प्रयास के बावजूद भी उन्हें ठीक हो रहा है, तमाम हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने के बावजूद भी पेशेंट आपका नहीं ठीक हो रहा है, तो जो कोई विशेषज्ञ हैं, कोई महापुरुष हैं, कोई संत हैं, कोई भजनानंदी संत हैं, उनके यहाँ भी चले जाइए। वो अपनी तपोबल से भी ठीक कर देते हैं। कोई जरूरी नहीं कि तंत्र के ही सारे प्रक्रिया से वो ठीक हो। नहीं, कोई छोटे मोटे उपाय जैसे अगर आदमी खुद घर पे करना चाहे, अगर जैसे अगर ये देखिए उसके लिए सबसे उत्तम उपाय ये है कि अगर आपको लगता है कि यह प्रेतग्रस्त है तो लोबान या गूगल की उसको धुआं देना चाहिए सुबह शाम, और गोमूत्र का पान करवाना चाहिए। गोमूत्र जो है ला करके उसको सुबह शाम, चाहे वह ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र से या किसी भी अपने इष्ट को जो है नमस्कार करके उसको गोमूत्र का जो है पान करवाएं सुबह शाम, और पांच प्रकार की मिठाई और पांच प्रकार के फल उसके सर के ऊपर से उतार करके सात बार और किसी चौरस्ते पर रख देना चाहिए। शाम को एक दीपक जला देना चाहिए चार बत्ती का। ये निवेदन करना चाहिए कि हमारे से कोई अगर भूल हो गई है या इस व्यक्ति से कोई भूल हो गई है तो इसको आप छोड़ करके चले जाएं। ये प्रार्थना करने से भी बहुत सारी आत्माएं ऐसी होती हैं जो निकल के चली जाया करती हैं। और गूगल की धुनी देने से उसके अंदर अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह कोई इस तरीके का है, कुछ इस तरीके की गंध है जिससे आकर्षित होकर के प्रेत आत्मा उसके अंदर प्रविष्ट हुई है, या कुछ ऐसे हरकतें हैं जिनके कारण उसके अंदर प्रेत आत्मा प्रविष्ट हुई है तो वह नष्ट हो जाती है और स्वस्थ हो जाया करता है। तो घर में गोमूत्र का छिड़काव और गोमूत्र का प्राशन यानी उसको पान खिलवाना पिलाना, यह जो है प्रेतात्मा के लिए बहुत ही उत्तम चिकित्सा हम मानते हैं। और पांच प्रकार के फल, पांच प्रकार की मिठाई उसके सर से, जिसको मुतारा कहते हैं हम भाषा में, प्रार्थना पूर्वक नमस्कार करके अगर हम चौरस्ते पर रख देते हैं तो भी व्यक्ति अक्सर ठीक हो जाएगा। कितनी बार करना चाहिए ये स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अमावस पूर्णिमा को अगर है या कोई अन्य तिथियाँ ऐसी हैं, कोई रवि पुष्प नक्षत्र वगैरह है, या शुक्रवार शनिवार रविवार में से उग्र जो दिन है इनमें से, और उस रोगी की स्थिति कैसी है, तो कभी एक बार के उतारे में भी ठीक हो जाता है, कभी सात बार ग्यारह बार भी करना पड़ जाता है, कभी पांच बार करना पड़ सकता है, कभी तीन बार करना पड़ सकता है। ये तो मतलब रोगी की स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है और कब से उसकी क्या हालत है, क्या जब तक नहीं जान लेंगे तब तक जो है संभव नहीं है किस तरीके के हम सारी बातें वो कर सके। और आम आदमी तो आजकल हर चीज़ को वैज्ञानिक दृष्टि से देखता है तो जल्दी से विश्वास भी नहीं होता है। इसके पीछे के विज्ञान को समझ लेना बहुत जरूरी है, और जिस दिन ये आत्मा परमात्मा के विज्ञान को मनुष्य समझ जाएगा उस दिन फिर जो है उसके लिए ये बहुत कठिन काम नहीं रह जाता है। हमको सिर्फ ये करना है कि उसको गंध कौन सी पसंद है। तो लोग जो बलि देते हैं, पहले बात तो यहाँ भी ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी, बहुत सारे मूर्खतावश लोग कोई जीव की हत्या कर देते हैं, बलि दे देते हैं, शराब चढ़ाते हैं, शराब पी के गुर्दन करते हैं। उनको बता देना चाहूँगा कि उस परमपिता परमेश्वर की सभी संतान हैं, चींटी से लेकर हाथी तक, और परमात्मा के सामने उसके बच्चों की बलि देकर उसकी हत्या करके आप उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। आपके बच्चे को कोई मारे और अगर आप कहें
कि आप जो है प्रसन्न हो जाएंगे, तो ये असंभव है। तो ये असंभव सी बात होती है, परमात्मा कभी प्रसन्न नहीं होता है किसी जीव की हत्या करने पर। अगर आपको परमात्मा को प्रसन्न करना है तो सुगंधित द्रव्य, सुगंधिनम पुष्टिवर्धनम हमारे यहाँ का है, सुगंधी जो है वो पुष्टि हमको स्वस्थ स्वास्थ्य प्रदान करने वाली वस्तु होती है। तो सुगंधित द्रव्य से पुष्प है सुगंधित, इत्र इत्यादि हैं, या नींबू या जायफल को कट करके हम इसको बलि, यानी बलि का मतलब होता है हक, उनका अधिकार। तो आप किसी के बच्चे को काट के उसके सामने, माँ बाप के सामने रख दो और कहो ये तुम्हारा अधिकार है, तो ये प्रसन्नता वाली बात नहीं है। तो परमात्मा कभी भी जीव हत्या के पक्ष में नहीं होता है, जीव हत्या से भूत प्रेत जाते नहीं है, ये अच्छी तरह लोगों को समझ लेना चाहिए। हाँ, सुगंधित द्रव्यों के द्वारा जैसे केवड़ा है, केसर है, या चंदन है, खस है, चमेली है, इनके इत्र का छिड़काव करें, गोमूत्र का छिड़काव करें, और गुग्गल है, ऊद है, लोबान है, इनका धुआं करें, जिससे कि जो है वो आत्मा प्रसन्न होकर के उस शरीर को छोड़कर चली जाएगी। मैंने एक ही और सुनी होगी जी, और एक छोटा सा कहीं सुना की बातें हैं, कहीं नहलाने से, कहीं कुछ करने से ऐसा कुछ होता नहीं है, उसको क्या फर्क पड़ता है। जो इंटरनल वस्तु है उसको आप बाहरी रूप से कहीं भी नहला दो या गंदगी में लपेट दो, क्या फर्क पड़ता है उसको। कहीं नहलाने धुलाने से कुछ नहीं होता है। हाँ, जरूर ऐसे कुछ सिद्ध महापुरुषों की समाधियां या कुछ सिद्ध महापुरुषों के द्वारा बनाए हुए स्थान होते हैं, जहाँ पर जैसे बालाजी का मंदिर है राजस्थान में, मेहंदीपुर बालाजी वहाँ है, कुछ ऐसे स्थान जो सिद्ध महापुरुषों ने बना दिए हैं कि भाई यहाँ आएंगे तो यहाँ भूत प्रेत जो है नष्ट हो जाए, तो उनके पीछे उनकी तपस्या, उनकी ऊर्जा, उनकी शक्ति काम करती है। ये स्थान विशेष अलग बात है, कहीं नहलाने धुलाने से भूत प्रेत चले जाने लग जाए तो मतलब उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता, तंत्र और आयुर्वेद के ग्रंथों की आवश्यकता नहीं रह जाती। आयुर्वेद स्वयं भरा पड़ा है और आयुर्वेद से प्राचीन चिकित्सा का विज्ञान कोई दूसरा विज्ञान नहीं है। आयुर्वेद से एलोपैथी निकला, होम्योपैथी निकला, यूनानी निकला, सारी चिकित्सा पद्धतियों का जो जननी है, जन्मदात्री है, उस आयुर्वेद में भूत प्रेत चिकित्सा का वर्णन है, उसका कहीं ना कहीं अस्तित्व है। उसके कोई उसको भी एक हमने बीमारी मानी है, एक चिकित्सा का वस्तु माना है, तभी तो उसकी चिकित्सा का सारा प्रारूप तैयार किया है। तो उसका जो एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर से ही करना चाहिए, और ठगों से, फ्रॉड लोगों से सावधान रहना चाहिए।